बुरे स्कूल में सिर्फ एक ही रूल है, यहाँ कोई रूल नहीं है। यहाँ रहने के लिए लगातार लड़ना पड़ता है। अच्छे स्कूल में हर कोई अपनी हद में रहता है। आज बुरे स्कूल में एग्जाम है, ये काफी मुश्किल है। फ्यू, मैं पास हो गई। बढ़िया डेबी, चलना चाहिए। अब टाइलर की बारी है और पॉली काफी डरी हुई है। तुम पास कैसे होगी जब तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं और टाइलर भी पास हो गया। ये मैंने टेस्ट पास कर लिया। गुड लक पॉली, तुम कर सकती हो। ओह, पुलिस यहाँ क्या कर रही है? बुरे स्कूल में ये आम बात है। चलो भी पॉली, सवाल का जवाब दो। पर आज उसकी नॉलेज ने उसे धोखा दे दिया। माफ करना, तुम्हें एफ मिलता है। सुनो, इसे यहाँ से ले जाओ। बुरे स्कूल में पुलिस फेल हुए बच्चों को हैंडल करती है। मना मत करो मिस, अब तुम्हारी दोबारा पढ़ाई का समय है। खैर, टेस्ट पर वापस आते हैं। अच्छे स्कूल में सुख शांति है और पुलिस नहीं। यह हर दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से होती है। आपकी सोच और दिमाग बिल्कुल सही होने चाहिए और फिर जरूर आपको अच्छे ग्रेड मिलेंगे। चलो हाथों को पकड़ो, ये कनेक्शन मत खोना। हमारे पास बहुत सारी नॉलेज है। बुरे स्कूल में सुबह की एक्सरसाइज क्यों? हमें स्पोर्ट्स या पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं है। वो पूरी रात पार्टी कर रहे थे। स्कूल तो फिर भी रहेगा और अभी के लिए चलो थोड़ा सा सो जाते हैं। अच्छे स्कूल में मैनर एक जरूरी क्लास है। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आप यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे? आज के लेसन में हम सुंदर लड़कियों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। मुझे अपने मैनर्स दिखाओ। शुरुआत अच्छी है, आगे हम चेयर्स के साथ डील करेंगे। लेडी को अच्छे से बैठने में मदद की जरूरत होती है। बहुत अच्छे एलेक्स, तुम्हें ई मिलता है। दूसरी तरफ इवॉल ने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, पर एक असली जेंटलमैन हमेशा कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेगा। बस इतनी जल्दी मत गिरो जूलिया, मैंने कर दिखाया। सुंदर लड़की बच गई। अब ये है असली मैनर्स। इवॉल, तुम्हें भी ये मिलता है। ओह नहीं, लगता है बुरे स्कूल में कुछ भयानक हुआ है। मैं कहाँ हूँ? क्लासमेट्स का साथ होना अच्छी बात है। टाइलर, पॉली, जल्दी उठो। चलो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकले। टेप हटाओ। बढ़िया, अपने हाथों को फ्री करो। इस तरह लगभग हो गया। टाइलर काफी अच्छा कर रहा है। उसने ऐसे ही जिम में इतनी कसरत नहीं की, उसे अपनी टांगे खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। वो जंप करेगा। एग्जिट, चलो जल्दी इस भयानक जगह से बाहर निकले। ये रही टैबी, वो भी बाहर निकलने में कामयाब हुई। पॉली जल्दी, हमें बाहर निकलना होगा और बाहर पहले से ही कोई इनका इंतजार कर रहा है। ये तो उनके पीई टीचर है। हाँ, ये कोई डरावनी किडनैपिंग नहीं थी, ये तो बस बुरे स्कूल में रेगुलर पीई क्लास है। पॉली, तुम फिर से फेल हो गई हो। रीटेक, हम नहीं, इसे शुरू से करना होगा। इन बेचारे गरीब लोगों को ऐसे देखकर कितना दुख होता है। कितना बुरा है, उन्हें काफी ठंड लग रही होगी, पर मदद आ रही है। हे, यहाँ आ जाओ। अच्छे स्कूल ने तुम्हें अपने पड़ोसियों की मदद करना सिखाया है और अब हमने जो सीखा है हम वो करने जा रहे हैं। प्लीज बैठ जाओ। क्या आप आज कुछ नया सीखना चाहते हैं? ये दुनिया की सबसे मजेदार टेक्स्ट बुक है, मजे करो। और ये आपके लिए सुंदर लड़की, ये एक सपने की तरह लगता है। ये सब कितने अच्छे हैं, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। मजे से रहिए। क्लासरूम जरूरतमंद लोगों के रहने की जगह बन गई और हम सड़क पर पढ़ेंगे। सब ठीक है, बल्कि ये हमारे लिए अच्छा है। ताज़ी हवा और धूप, थोड़ी सी बदबू है, पर किसे फर्क पड़ता है। बुरे स्कूल में ब्रेक टाइम होते ही सब लड़ना शुरू कर देते हैं। एनी, मुझसे शर्ट लगा लो, तुम कभी भी पियर्सिंग नहीं करवा पाओगी। क्या तुमने मुझे डरपोक बोला? चलो देखते हैं। जीप पर पियर्सिंग, ये हुआ ना कुछ मजेदार। चलो शुरू करें। ठीक है, हो गया। तुम्हारी पियर्सिंग कहाँ है? हाँ, ये देखो टाइलर। ओह, एनी का फेवरेट रिएक्शन है। अब कौन डरपोक है? हाँ, हर कोई ऐसा नहीं कर पाएगा। अच्छे स्कूल में स्टूडेंट्स को पढ़ना पसंद है। बोर्ड पर जवाब कौन देना चाहेगा? मैं, क्या मैं दे सकती हूँ? बच्चों शांत हो जाओ, हमारे पास बहुत समय है और आज जो जवाब देगा वो है। कंपटीशन बढ़ रहा है। हाँ, काफी सीरियस माहौल है। बच्चों शांत हो जाओ, पर कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। और बारबरा आगे बढ़ गई, वो आज जंग जीत रही है। तुम बस रुको बारबरा, हम अपना बदला ले लेंगे। और बुरे स्कूल में अच्छे स्टूडेंट को मुश्किल हो रही है। कैसे हो एडम, हम तुम्हारे साथ मस्ती करने वाले हैं। बॉल से खेलना चाहोगे? और हमारे पास एक बुरी खबर है, तुम ही बॉल हो। पड़ाकुओं को लॉकर में होना चाहिए,
इन्हें ये गेम्स पसंद है। तो एडम तुम अब ढंग से रहोगे। हाँ हाँ बस मुझे बाहर निकालो। ठीक है उसे बाहर निकाल दो। बस तुम रुको। ये बढ़िया था दोस्तों, हर किसी को ए मिलता है। मुबारक हो। इसी वजह से इन्हें बुरे स्कूल में मैथ टीचर इतना पसंद है। वो कमाल है। अच्छे स्कूल में जरूरी इवेंट चल रहा है, सबसे साफ लॉकर का कॉन्टेस्ट, और आपको तैयारी करनी होगी। एलेक्स और बारबरा नर्वस है, वो फाइनलिस्ट है। जजेस आ गए, चलो देखते हैं। एलेक्स तुमने बढ़िया किया है, बहुत साफ और एकदम ठीक। बारबरा के लॉकर में भी धूल का नामोनिशान तक नहीं है, चुनना काफी मुश्किल है। ये ग्रैंड प्राइज किसे मिलेगा? अवार्ड एलेक्स को मिलता है, उसने पूरे सेमेस्टर के लिए वाह वाही और इज्जत जीत ली। ठीक है सर, चलो शुरू करते हैं। अरे यार मिस्टर एडम, आपको ये क्यों करना होता है? बोर्ड पर जवाब कौन देना चाहेगा? कोई भी नहीं। हाँ ये सच में बहुत बुरा स्कूल है। तो चलो रोल लिस्ट पर देखते हैं। मार्टिन आओ। उप्स, सब कहाँ गए? वो मुझसे डर गए। अच्छे स्कूल में ये थोड़ा आराम करने का समय है, अच्छे दिमाग को आराम की जरूरत होती है। पर बारबरा स्कूल रूल्स तोड़ना चाहती है। वो अपने पसंदीदा चैनल पर नई वीडियो देख रही है, पर ये उसके पड़ोसी के लिए ठीक नहीं है। बारबरा आवाज कम करो। ये लो तुम्हारे लिए हेडफोन्स। शुक्रिया मिस काइलर, आप बेस्ट हैं। एलेक्स सो नहीं पा रहा, उसे एक मजेदार इक्वेशन याद नहीं आ रही। मिस काइलर मदद के लिए पहुंच गई। A+B=Y। बोलते रहिए, कितनी मजेदार बुक है। मिस्टर एडम को थोड़ा सोने का मन है, उन्हें पढ़ाई से ब्रेक चाहिए। पर जब स्टूडेंट्स पार्टी कर रहे हो तो सोना मुश्किल है। हे, क्या तुम आवाज कम कर सकते हो? मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ। बुरे स्कूल में बिल्कुल भी शांति नहीं है। क्या फिर से? यहाँ से चले जाओ। क्या तुम्हें दिखता नहीं ये बंद है? मिस्टर एडम का मूड आज खराब है। आखिरकार उसने पूरे स्कूल पर ही कब्जा कर लिया। कितनी शांति है। अच्छे स्कूल में एक नई लड़की आई है, अपनी नई क्लासमेट से मिलिए। ये डेबी है। हाय पढ़ाकुओ। पर अच्छे स्कूल में ऐसे लोगों का भी स्वागत होता है। हाय मैं ईवॉल्ड हूँ, तुम कैसे हो? पर ये बातें करने का समय नहीं है। क्या नए स्कूल में पहला दिन और अभी से ही टेस्ट? ये तो ठीक नहीं है। पर आपको उनके हिसाब से चलना होगा। इन सबको सब कुछ कैसे पता है? डेबी ने ऐसा कुछ कभी नहीं पढ़ा। टाइम खत्म, अपने पेपर दे दो, मैं पास हो जाऊंगी। तुम अपना टेस्ट लिखो। डेबी घबराओ मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे। देखो यहाँ सब के लिए चीट शीट्स हैं, और अगर तुम्हें समझ नहीं आए तो हम तुम्हारे लिए सॉल्व भी कर देंगे। यहाँ ऐड करो, इसे सब्सट्रैक्ट करो और फिर मल्टीप्लाई। हाँ बहुत अच्छे डेबी। वाह मेरा अब तक का पहला ए। अरे कितना अच्छा लगता है। शुक्रिया दोस्तों, कोई जरूरत नहीं, हम सब अब एक फैमिली है। सभी ध्यान से सुनो, हम सबसे बुरे लॉकर का कॉन्टेस्ट रख रहे हैं। ठीक है चलो देखते हैं। काफी गंद है पर जीतने के लिए काफी नहीं। मिस्टर एडम मेरे लॉकर में देखिए। बहुत बढ़िया डेबी, तुमने और गंदा बनाने के लिए इसमें अपनी पुरानी सॉक भी रखी है, समझदार हो। पॉली तुम्हारा लॉकर कैसा है? मिस्टर एडम मेरे पास लॉकर नहीं है, मेरे पास तो कूड़ेदान है, इसमें से भी काफी स्मेल आ रही है। बहुत बढ़िया, चलो दोबारा से देखते हैं गाइस। इस साल विनर है पॉली, उसने अपने लॉकर को एक असली कबाड़ जैसा रखा है। उसकी तरह बनो। अच्छे स्कूल में लंच टाइम है, अपने खाने के मजे लो। और लड़के खास खाना खा रहे हैं, अच्छे ग्रेड्स लंच में भी उनके आसपास होने चाहिए, इससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। पर कोई भी हर समय सीरियस नहीं रह सकता, चाहे तुम्हें एक ग्रेड क्यों ना मिलते हो। अपने दिमाग को तेज रखने के लिए मीठा खाने में कोई बुराई नहीं है। बच के साइंस, अब हम काम के लिए तैयार है। बुरे स्कूल में कंप्यूटर साइंस सबसे मजेदार क्लास है। आज मार्टिन मिस्टर एडम से ए लेने की कोशिश कर रहा है। चलो मार्टिन चलो। पर टीचर को हराने के लिए काफी सालों की प्रैक्टिस चाहिए, बस सी ही मिलेगा। अगला डेबी अपनी पूरी जान लगा देगी। ये लो मिस्टर एडम। पर टीचर फिर से जीत गए।
वो सबसे बेस्ट है। देखो डेबी, प्रैक्टिस करती रहो, तुम सब जा सकते हो। सीखो बच्चों, तुम अपने कंप्यूटर टीचर को कभी नहीं हरा सकते। क्या आपको हमारे अच्छे और बुरे स्कूल की कहानी पसंद आई? आप कौन से स्कूल जाना चाहोगे हमें कमेंट्स में बताएं, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं, ट्रुम ट्रुम पर कोई भी मजेदार वीडियो मिस न करें।